Good morning, students. I am Mrs. Aprajita Wani. I am here again with my revision video of chapter number 7, class 2, EVS. The name of the chapter 7 is Keeping Healthy. Keeping Healthy means हमें कैसे स्वस्थ रहना है. तो ये revision video है. I hope इससे आपको सब चीजें समझ में आएंगी और आपको इस chapter के जो basics हैं वो clear हो जाएंगे. एक बार फिर से देखिए. वी मस्ट टेक केयर ऑफ अवर बॉडी. हमें अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए. टू कीप इट हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. कि ये हेल्दी रहे और मजबूत रहे, स्वस्थ रहे और मजबूत रहे. वी शुड ईट हेल्दी फूड. हमें बहुत अच्छा खाना खाना चाहिए. टेक प्रॉपर रेस्ट. हमें आराम भी अच्छा करना चाहिए. रिमेन क्लीन एंड एक्सरसाइज डेली. हमें साफ सुथरा रहना चाहिए और डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए. फूड फॉर हेल्थ. क्या क्या खाना चाहिए हमें. फॉलो गुड फूड हैबिट्स टू रिमेन हेल्दी. हमें ये कुछ फूड हैबिट्स हैं उसको फॉलो करना चाहिए ताकि जिससे हम स्वस्थ और स्ट्रांग रहें, मीन्स हेल्दी रहें. ईट अ बैलेंस डाइट. हमें बैलेंस डाइट खानी चाहिए. ड्रिंक Plenty of water. हमें खूब सारा पानी पीना चाहिए. Avoid eating junk food. हमें बाहर का junk food नहीं खाने चाहिए. Junk food कौन कौन से होते हैं, जैसे burger, popcorn, है ना, pizza, ये सब हमें नहीं खाने चाहिए. Do not overeat. हमें बहुत सारा खाना नहीं खाना चाहिए. Overeat नहीं करना चाहिए. प्रॉपर रेस्ट. स्लीप फॉर 8 hours एवरी नाइट. हमें प्रॉपर रेस्ट की उतनी ही ज़रूरत है जितने की खाने की. तो हमें कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए. इट गिव्स रेस्ट टू द बॉडी एंड मेक अस फ्रेश. ये हमारी बॉडी को आराम देता है और हमें तरोताज़ा रखता है. प्रॉपर रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ. प्रॉपर रेस्ट बहुत ज़रूरी है एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए. रिमेन क्लीन. हमें साफ सुथरा रहना चाहिए. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेन क्लीन. ये बहुत ज़रूरी है कि हम साफ सुथरे रहें. अ क्लीन बॉडी इज़ अ हेल्दी बॉडी. जो बॉडी जितनी साफ रहेगी वो उतनी ही स्वस्थ रहती है. टेक अ बाथ एवरी डे. हमें डेली नहाना चाहिए. ट्रिम योर नेल्स वीकली. हमें वीकली अपने नाखून काटने चाहिए. शैम्पू योर हेयर रेगुलरली. हमें अपने बाल रेगुलरली शैम्पू करने चाहिए. कॉम योर हेयर टू लुक नीट. हमें अपने बालों में कंघी करनी चाहिए जिससे हम अच्छे दिखें. ऑयल योर हेयर वंस अ वीक. हमें अपने बालों में तेल भी डालना चाहिए हफ्ते में एक बार. वियर क्लीन एंड आयरन क्लोथ. हमें हमेशा साफ धुले और प्रेस करे हुए कपड़े ही पहनने चाहिए. एक्सरसाइज. एक्सरसाइज डेली टू कीप योर माइंड एंड बॉडी एक्टिव एंड हेल्दी. हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हमारा जो माइंड है और बॉडी है वो एक्टिव रहे, एनर्जेटिक रहे और हेल्दी रहे, मीन्स स्वस्थ रहे. ठीक है, जैसे कि स्किपिंग, डू एरोबिक्स. स्किपिंग रस्सी कूदना चाहिए, एरोबिक्स का डांस करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, सिंपल डांस करना चाहिए, वॉक करने चाहिए, जॉगिंग करनी चाहिए और योगा भी करना चाहिए. दीज आर सम अनहेल्दी हैबिट्स, अवॉइड देम. कुछ अनहेल्दी हैबिट्स हैं, इन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए. जैसे कि वॉचिंग टू मच टेलीविज़न. हमें बहुत ज़्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए. स्लीपिंग लेट एट नाइट. हमें ज़्यादा लेट सोना भी नहीं चाहिए. ईटिंग अनहेल्दी फूड. हमें अनहेल्दी फूड नहीं खाना चाहिए. जिस खाने से हमें नुकसान हो हमें वो खाना नहीं खाना चाहिए. ईटिंग विदाउट वॉशिंग योर हैंड्स. हमें बिना हाथ धोए खाना भी नहीं खाना चाहिए. करेक्ट पॉस्चर. पॉस्चर मीन्स एक बैठने का तरीका या एक स्टाइल हम उसको कह सकते हैं, पॉस्चर.
कीप योर बैक स्ट्रेट व्हेन यू सिट और स्टैंड. हमें जब भी हमें बैठना हो तो हमें स्ट्रेट बैठना चाहिए, हमें झुककर नहीं बैठना चाहिए, लेजी तरीके से नहीं, हमें बिल्कुल स्ट्रेट बैठना चाहिए. डू नॉट स्टूप वाइल रीडिंग और वॉकिंग. जब भी हम पढ़ते हैं तो ऐसे झुकना नहीं चाहिए, स्टूप मीन्स झुकना नहीं चाहिए. ऐसी वॉक करते वक्त भी हमें झुकना नहीं चाहिए, हमें स्ट्रेट चलना चाहिए, स्ट्रेट तरीके से पढ़ना भी चाहिए और वॉक भी करनी चाहिए. इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपकी जो कमर है वो सीधी रहेगी और उसमें पेन भी नहीं होगा. ओके, अदरवाइज जो बच्चे झुककर पढ़ते हैं, झुककर काम करते हैं, उनको आदत लग जाती है, आने वाले टाइम में उनको बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी में तकलीफ रहती है, जिसकी वजह से वो अपना जो काम है प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते. इसलिए हमें स्टूप मीन्स झुकना नहीं चाहिए, हमें सीधे बैठकर पढ़ना चाहिए. इसकी एक्सरसाइज हम देख लेते हैं. फर्स्ट है ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन वन, हाउ कैन वी कीप अवर बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रांग. हम अपनी बॉडी को हेल्दी और स्ट्रांग कैसे रख सकते हैं, आपको लिखना है. व्हाई डू वी नीड टू स्लीप, हमें सोने की जरूरत क्या है. व्हाई शुड वी एक्सरसाइज डेली, थर्ड वन है, हमें एक्सरसाइज डेली क्यों करनी चाहिए. फोर्थ है, स्टेट एनी टू गुड फूड हैबिट्स वी शुड फॉलो. कोई भी ऐसी दो गुड फूड हैबिट्स लिखिए जो हमें फॉलो करनी चाहिए. बी देखिए, मेक अ टेक फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस फॉर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. वही राइटर रॉन्ग करने हैं, सीधा सीधा तो यही बोला जा रहा है. फर्स्ट है, अ बैलेंस डाइट मेक अस इल, क्या बैलेंस डाइट हमें बीमार करती है. सेकेंड, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, क्या हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए. थर्ड, योगा मेक्स अवर बॉडी एंड माइंड फिट, योगा से हमारी बॉडी और माइंड फिट रहते हैं. फोर्थ, बाथ वंस अ वीक, क्या हमें हफ्ते में एक बार नहाना चाहिए. फिफ्थ, कीप योर बैक स्ट्रेट व्हेन यू सिट और स्टैंड, हमें अपनी कमर सीधी रखनी चाहिए जब हम बैठे हों या हम खड़े हों. सिक्स, ट्रिम योर नेल्स वंस अ वीक, हमें अपने नाखून हफ्ते में एक बार काटने चाहिए. सेवन, वॉच टेलीविजन ऑल द टाइम, क्या हमें सारे टाइम टेलीविजन देखते रहना चाहिए. अब देखिए सी, इट इज इम्पॉर्टेंट टू डू द थिंग्स एट राइट टाइम एवरी डे, फॉलोइंग रूटीन कीप्स अस हेल्दी. राइट द टाइम व्हेन यू डू दीज एक्टिविटीज डेली, आपको इसमें टाइम डालना है बस. आई वेक अप एट, आप कितने बजे सोकर उठते हैं. आई गो टू स्कूल एट, आप कितने बजे स्कूल जाते हैं. आई ईट टिफिन एट, आप कितने बजे टिफिन खाते हैं. आई गो टू प्ले एट, आप कितने बजे खेलने जाते हैं. आई ईट डिनर एट, आप खाना कितने बजे खाते हैं. आई गो टू स्लीप एट, और आप रात में कितने बजे सो जाते हैं. इसकी टाइमिंग आपको इसमें भरने हैं. आई होप आपको वीडियो ये मेरी बहुत अच्छे से समझ में भी आई होगी और जो इसके बेसिक्स हैं ये आपको क्लियर हो गए होंगे. इसकी वर्कशीट और ये बुक कंटेंट की आंसर की और वर्कशीट की भी आंसर की मैं आपको भेज चुकी हूँ, ठीक है. अगर फिर भी कोई डाउट लगे तो आप उससे अपना आंसर टैली कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन कॉल मी. ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू.